नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लवकुश नगर का बस स्टैंड, जो कि दो वर्षों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था, अब नगर परिषद उसका कायाकल्प करने जा रही है। यहां का अतिक्रमण हटाकर इसको व्यवस्थित बनाया जा रहा है, जिससे बसों का संचालन यहां से सुचारू रूप से हो सके। गौरतलब है कि लवकुश नगर में नवीन बस स्टैंड का निर्माण तो लगभग दो दशक पहले करवा दिया गया था। बस स्टैंड के बाहर मार्केट की दुकानें भी नीलाम कर दी गई थी, लेकिन इस बस स्टैंड को संचालित नहीं करवाया गया था। आलम यह था कि पुराने बस स्टैंड में बसों का मकड़जाल फैला रहता था और आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। फिलहाल नगर परिषद ने यहां का अतिक्रमण हटाकर अब रैन बसेरा और हॉकर जोन का निर्माण भी तेजी से प्रारंभ कर दिया है और जल्द ही नवीन बस स्टैंड को संचालित करने की बात भी कही जा रही है। जी, नगर पालिका के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जी जो नवीन बस स्टैंड चतला रोड पर है, इसको जल्द से जल्द 28 तारीख के पहले इसको चालू करवाना है। इसमें जो अतिक्रमण वगैरह लोगों ने किया है, इसको हटाना है और साथ में जो मंडी निर्माण कार्य चल रहा है, इसको भी कार्तिक गति से किया जा रहा है। तो साथ में मंडी स्थापित करने के लिए इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है और विकास कार्य किया जा रहा है। पुरानी सब्जी मंडी जो वहाँ लगा रहे हैं, एक्चुअली वहाँ विकास कार्य प्रस्तावित है, तो उसको यहाँ पर रिप्लेस करके यहाँ पर लगाया जाएगा। ठेकेदारों को नोटिस 3 दे चुके हैं, अंतिम नोटिस जारी भी किया गया है। अगर नहीं करते हैं तो ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई करवाते हैं इनको, और काम के लिए इनको बालू भी उपलब्ध करवाई है। कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति आड़े आ रही हो ठेकेदारों के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, काम को जल्दी जल्दी किया जा रहा है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।